मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। और अब खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके से। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के किरवानी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह सुबह एक बड़ा मगरमच्छ आकर दहाड़ मारने लगा। मगरमच्छ की दहाड़ से ग्रामीण यानी कि लोग भयभीत हो गए और सीधा अपने घरों में घुस गए। मगरमच्छ के आने से गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। बच्चे तो बिल्कुल सहमे हुए थे, लोग इधर उधर भागने लगे। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने वहाँ पहुंच गई और बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रस्सी और लकड़ी से बांधकर किसी तरह काबू किया गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पकड़े गए मगरमच्छ को देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया। गांव के लोगों ने बताया कि गांव के बगल में ही रिहंद जलाशय यानी कि एक बड़ा जलाशय जिस कारण मगरमच्छ आ गए होंगे। इससे पहले भी मगरमच्छ गांव में कभी कभी नहीं आए। आज अचानक मगरमच्छ के आने से सब सहम गए, डर गए और हैरान रह गए। वन विभाग की टीम की लोगों ने सराहना की और कहा कि वन विभाग की टीम यदि समय पर नहीं पहुंचती तो किसी पर भी मगरमच्छ हमला कर नुकसान कर सकता था। इधर वन क्षेत्रीय अधिकारी राजेश सोनकर ने बताया कि गांव में मगरमच्छ आने की सूचना लोगों द्वारा उन्हें मिली थी और तुरंत एक टीम बनाई गई और टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने अब मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर गांव से दूर एक जलाशय में छोड़ दिया है। इस अवसर पर वन दरोगा विजेंद्र कुमार सिंह, साजिद खान, विद्याशंकर पांडे भी मौजूद थे। मगरमच्छ सर पकड़ी गई थी, वन विभाग को ग्रामीणों ने सूचना किया था, उनके सूचना पर विभाग क्या किया? ग्रामीणों की सूचना पर हमने तुरंत वन विभाग की टीम को वहां पर भेजा और मगरमच्छ को हमारे टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ करके ले जाकर उसे नज़दीकी रहन डैम के जलाशय में छोड़ दिया गया। कितना हाइट था सर मगरमच्छ का? लगभग 12 फीट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.